बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं, ये है टूसोन एन लाइन 2022 मॉडल। आइए आपको इसका रिव्यू करवा देते हैं, 360 भी करवा देते हैं। सबसे पहले थ्री सिक्सटी व्यू के बाद जो है हमें इसके टायर्स की बात करते चलें, तो यहाँ पे आपको मिशलिन के टायर्स देखने को मिलते हैं जो कि 19 इंच में दिए गए हैं। अलॉय व्हील्स के साथ एन लाइन की बैजिंग जो कि इसके अंदर दी गई है। लाइट्स की बात करते चलें तो यहाँ पे आपको एलईडी में लाइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि साइड इंडिकेटर यहाँ पर दिए गए और इसकी लाइट्स यहाँ पर हेडलैम्प्स भी इसके अंदर ही दिए गए हैं। नीचे की जानिब आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। अगेन नीचे हार्ड प्लास्टिक में ब्लैक एंड ग्रे का कम्बिनेशन दिया गया है। फ्रंट पे आपको बहुत ही डायनामिक किस्म की ग्रिल देखने को मिलती है। नीचे की जानब यहाँ पे फ्रंट कैमरा, हुंडई की बैजिंग, टूसोन, नीचे रडार सिस्टम देखने को मिलता है। साथ में इसके पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एन लाइन की बैजिंग है। यहाँ पर जिसके साइड इंडिकेटर, नीचे की जानब आपको 3D व्यू कैमरा देखने को मिल जाता है। एंट्री की बात करते चलें तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री देखने को मिलती है। यहाँ पे मेमोरी सीट्स जो कि आप अपनी मर्जी के साथ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लेदर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे रेड स्टिचिंग दी गई है एन लाइन की कुछ शो करने के लिए। यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक, यहाँ पे कुछ लॉक्स ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं। नीचे की जानब यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलती है। स्पीकर देखने को मिलता है। टूसोन की वेलकमिंग के लिए यहाँ पर बैजिंग दी गई है। यहाँ पे पावर कंट्रोल्स दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर एंटर होते ही आपको बहुत ही प्रीमियम सी लुक देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको रेड स्टिचिंग जो कि लेदर में देखने को मिलती है। यहाँ पे वॉइस मोड फंक्शन, यहाँ पे मोड वगैरह कुछ दिए गए हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स और लेन कीपिंग के हवाले से कुछ ऑप्शन वगैरह दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल्स के हवाले से। यहाँ पर आपको एक ह्यूज डिजिटल मीटर क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स और साथ में आपको यहाँ पर वाइपर्स के ऑप्शंस, लेफ्ट पे आपको हेडलैम्प्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इस तरफ आते चलें तो यहाँ पे आपको ट्रंक होल्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हेडलैम्प्स के ऑप्शन है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, नीचे बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे जी इंडिकेटर का साइन दिया गया है। यहाँ पे आपको दो क्लाइमेट कंट्रोल्स, ह्यूज डिस्प्ले, यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल्स देखने को मिलता है। नीचे की जानिब आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग साकेट, दो USB पॉइंट, नीचे पैड देखने को मिलता है जो कि वायरलेस चार्जिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हीटेड सीट और कूलिंग सीट के ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे 3D व्यू कैमरा के ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे जी पार्किंग सेंसर्स के ऑप्शन मौजूद हैं और साथ में आपको हीटेड स्टेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी जी टच में रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव पार्क का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे ड्राइव मोड के ऑप्शंस भी दिए गए हैं जो आप यहाँ से कर सकते। स्टेयरिंग के अंदर जी आपको यहाँ पे एक एयरबैग देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत स्टेयरिंग इसका दिया गया है। नीचे की जानिब आपको यहाँ पे एन लाइन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जी दो कप होल्डर, नीचे की जानिब आपको एन लाइन की बैजिंग अगेन। यहाँ पे पार्क ब्रेक का ब्रेक होल्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे वन पुश पे इसको ओपन कर सकते हैं, कंसोल बॉक्स को एक ह्यूज स्टोरेज के साथ। सीट्स की कुशनिंग की बात करते चलें तो यहाँ पे आपको बहुत ही कंफर्टेबल कुशनिंग देखने को मिलती है। सीट्स की बहुत ही अलग किस्म की इसकी स्टिचिंग की गई है जो कि रेड स्टिच में की गई है। यहाँ पे आपको सीट्स कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप ड्राइवर साइड पर भी बैठ के कर सकते हैं। फ्रंट पे आते चलें तो यहाँ पे आपको लेदर की स्टिचिंग देखने को मिल जाती है। ऊपर की जानेब अगेन लेदर की स्टिचिंग, यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। नीचे की जानेब ग्लव बॉक्स जो कि ह्यूज स्टोरेज के साथ मौजूद है। फ्रंट की बात करते चलें तो फ्रंट जो दरवाज़ा है इसके भी वहाँ पे ट्यूटर दिया गया है। नीचे की जानेब आपको यहाँ पे क्रोम हैंडल, नीचे की जानेब हार्ड प्लास्टिक स्टिचिंग जो कि रेड में देखने को मिलती है ब्लैक लेदर के साथ। ऊपर की जानिब आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे
हाई पास का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे पैसेंजर्स जो सीट बेल्ट है उसके ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे एलईडी रूम लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पे सनरूफ ओपन और क्लोज करने के लिए पैनारोमिक इसका सनरूफ है, सनरूफ ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से वन टच पे आप इसको क्लोज कर सकते हैं पूरे का, और यहाँ से वन टच से अगेन आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये जी इसकी लाइट्स जो कि मैनुअली में आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे पीछे की तरफ आते चलूँ तो आपको यहाँ पे अगेन लेदर की स्टिचिंग देखने को मिलती है। नीचे की जानेब आपको डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा दिया गया। यहाँ पे नीचे की जानेब अगेन यहाँ पे लेदर की स्टिचिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे रेड में स्टिचिंग देखने को मिल जाती है लेदर की। तो सुन की बैजिंग यहाँ पे आप बैक सीट को भी यहाँ पे पुल करके इसको पुल डाउन कर सकते हैं। नीचे की जानेब यहाँ पे फैब्रिक और लेदर का कम्बिनेशन दिया गया है रेड स्टिचिंग के साथ। अगेन यहाँ पे फाइल होल्डर, दो एसी वेंट यहाँ पे मिलते हैं आपको। नीचे की जानेब दो यूएसबी पॉइंट मिल जाते हैं। ये इसका फ्यूल टैंक। जो यहाँ पीछे की जानेब आते चले तो यहाँ पे आपको साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कट्स वगैरह मिलते हैं जो कि विंड कंट्रोल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे एक लाइन मिलती है जो कि फ्रंट से लेके बैक तक आई हुई, जो कि गाड़ी को मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही है। यहाँ पे जी इसके डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पे टायर्स के ऊपर। पीछे की जानी बातें चलें तो यहाँ पे आपको LED में बैक लाइट जो कि पूरे बैक को कवर किए हुए हैं, और यहाँ पे LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि छोटी छोटी डिज़ाइनिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत लुक दी गई है इसको। नीचे की जानेब आपको यहाँ पे टूसोन की बैजिंग, नीचे की जानेब आपको रिफ्लेक्टर लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। नीचे की जानेब आपको स्पोर्टी लुक बम्पर देखने को मिल जाता है जो कि ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जी आते चलें तो यहाँ पे Hyundai की बैजिंग है। इसके नीचे आपको वाइपर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे बैक लाइट, स्पॉयलर और शार्क एंटीना। नीचे की जानेब आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप इसको बूट को ओपन कर सकते हैं। ये जिसका बूट, और नीचे की जानेब आपको कुछ टूल्स वगैरह इसके दिए गए हैं। नीचे ये जिसके वन पुल पे इसको आप इसको पुल डाउन कर सकते हैं और मज़ीद ज़्यादा स्टोरेज आपका बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इसकी 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट दी गई है। अगेन वन टच पे इसको क्लोज कर सकते हैं। पीछे की जानेब आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, बैक लाइट देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड पे आते चलें तो यहाँ पे आपको अगेन हार्ड प्लास्टिक और नीचे ब्लैक लेदर जो कि रेड स्टिचिंग में देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही है गाड़ी को। नीचे की जानेब आपको यहाँ पे फ्रंट सीट जो कि पावर कंट्रोल्स में मिल जाती है। सीट्स की कुशनिंग इसकी जो कि लेदर में स्टिच की गई है, बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन दिया गया है, रेड एंड ब्लैक का कम्बिनेशन दिया गया है जो कि मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है गाड़ी को। ये जी इसका इंजन 1.6 लीटर इसका हाइब्रिड इंजन है, स्मार्ट स्ट्रीम। और
अगर इसके हॉर्स पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी 180 हॉर्स पावर है इसकी, टॉर्क इसकी 27.0 इसकी टॉर्क, और यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो कि 52 लीटर। ये था जी आज का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।